नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। गदर 2 को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। दर्शक, सेलिब्रिटी, देश विदेश, हर जगह गदर 2 को बहुत पसंद किया जा रहा है। और 15 अगस्त के आसपास से मूवी आई जिसमें जिसके बाद इसकी पसंद बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अब गदर 2 के फैंस में एक और नाम शामिल हो गया, वो नाम है हेमा मालिनी का। हेमा मालिनी ने गदर 2 का रिव्यू किया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगा मूवी देखकर कि बिल्कुल 80 के दशक में हम लोग लौट आए। सनी देओल की फिल्म गदर 2 को बहुत पसंद किया जा रहा है। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने अपने सौतेले बेटे यानी कि सनी देओल की फिल्म को देखा। गदर 2 देखने के बाद उन्होंने बताया कि उन्हें पिक्चर कैसी लगी। हेमा मालिनी ने गदर 2 की खूब तारीफ़ की। इसमें सनी देओल के अभिनय की उन्होंने ज़ोरदार तारीफ़ की है। हेमा मालिनी ने कहा, ऐसा लगा जैसे 70-80 के दशक में हम वापस आ गए। तो बॉक्स ऑफिस पर गदर 2 ने बिल्कुल कहर मचा दिया है और 300 करोड़ का आंकड़ा ये फिल्म पार कर चुकी है। गदर 2 को देश भर की जनता से बेशुमार प्यार मिल रहा है। सेलिब्रिटीज़ भी गदर 2 को देखने से और उसकी तारीफ़ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। फिल्म रिलीज़ के बाद सलमान खान और भी तमाम सेलिब्रिटी ने इस फिल्म की तारीफ़ की थी। अब हेमा मालिनी ने गदर 2 का रिव्यू किया। उन्होंने कहा कि जैसी उम्मीद थी वैसी ही ये मूवी निकली। ये फिल्म बहुत दिलचस्प है। हेमा मालिनी ने फिल्म की कहानी को बहुत अच्छा बताया और सनी देओल सहित पूरी फिल्म की टीम को उन्होंने इसके लिए बधाई दी है। हेमा मालिनी ने अपने रिव्यू में कहा कि गदर 2 को देखकर ऐसा लगा कि हम 70 और 80 के दशक के उस ज़माने की फिल्म का जैसा एक दौर हुआ करता था वहाँ लौट आए हैं और उस दौर को वापस से लेकर आ गए हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने अनिल शर्मा के डायरेक्शन की भी खूब तारीफ की। हेमा मालिनी ने सनी देओल और उत्कर्ष शर्मा की परफॉर्मेंस, सनी अमीषा पटेल की जोड़ी की तारीफ़ की। वहीं सिमरत कौर के बारे में बात करते हुए कहा कि जो नई लड़की है उसने भी बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरह से गदर 2 को लगातार गदर 2 सफलता के नए कीर्तिमान तो रच ही रही है, प्लस क्रिटिक्स के साथ ही साथ सेलिब्रिटीज़, आम जनता भी दिल खोल कर इस फिल्म की तारीफ़ कर रही है। और अब हेमा मालिनी भी गदर 2 की मानो मुरीद हो गई है।